देखा उसने कुछ इस अदा से के रुत ही बदल गई, देखा उसने कुछ इस अदा से के रुत ही बदल गई, मैं गिर गया गटर में मेरी किस्मत बदल गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चाल है, ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे एक खतरनाक सी मक्खी पकड़ ली थी, मक्खी तंग करी है बहुत ज़्यादा, तो अभी पकड़ी गई थी, पता नहीं कैमरे में आपने देखे कि नहीं। तो आज आपको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। तो आज मेरे चैनल पे पहले आपको दिखाता हूँ सारे यूट्यूबर्स, ये स्क्रीन खुल गई है। तो ये यूट्यूबर है जट प्रभ जोत, तकरीबन 2 मिलियन के करीब इसके सब्सक्राइबर हैं और इसकी वीडियोस पे लाइक्स जो हैं 47K है और जो डिसलाइक हैं वो तकरीबन 800 के करीब हैं। अब दूसरे यूट्यूबर खोल लेते हैं। तो ये है जी MSK व्लॉग, ये भी तकरीबन 2 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं और लाइक्स इसके 36K और जो डिसलाइक हैं वो तकरीबन 500 के करीब हैं। इसी तरह ये गौरव चौधरी एक यूट्यूबर है, 5 मिलियन के करीब इसके सब्सक्राइबर हैं, 21K इसके जो है लाइक्स हैं और तकरीबन 400 के करीब इसके डिसलाइक्स हैं। तो इसी तरह जी आज मेरी वीडियो पे पहला डिसलाइक आ गया हुआ है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये देखें जी, हमारी वीडियो पे पहला डिसलाइक आ गया। तो मेरी वीडियो पे जो पहला डिसलाइक आया, तो मैं ये सुन के खुशी की खबर, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ शवारमे। तो सामान भी शवारमे का सामान लेके आ चुके हैं, तो आज कुछ स्पेशल किस्म के शवारमे बनाने जा रहे हैं हम। तो अभी जाके गोश्त वगैरह धोते हैं और उसे काट कूट के तो मसाला वगैरह लगाते हैं। तो ये गोश्त है, तो इसे मैं पहले धो दूं। तो गोश्त जी धुल चुका है, तो अभी इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, तो फिर इसके बाद इसे मसाला लगाएंगे। तो अभी हम गोश्त काटने लगे हैं। तो जो मेरे पास छुरी है, तो वो आम घरेलू छुरी है, तो स्पेशल छुरी मेरे पास है नहीं, तो इसे काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उम्मीद है कट जाएगा इससे, वहाँ कट गया। जी मेरे पास जो अभी चीज़ें हैं, आधा किलो मैंने जी चिकन लेके आया हूँ। तो ये मेरे पास कह लें एक पूरा नींबू है, एक आधा नींबू, और ये दरादरी मिर्च है, और नमक है हसबे जायका, और ये 4 हमने लहसुन है। तो ये इसका पेस्ट बनाना है, ये चिली सॉस भी है, ये घी भी है, तो इसका चिली सॉस इसका बनाते हैं कोई पेस्ट। पहले मैं इसे क्या कहते हैं ऐसे कर लूँ, एक गिर गया नीचे। वो देते हैं साथ, ये नमक वगैरह भी डाल लेते हैं और मिर्चें वगैरह भी इसके साथ ही डाल लेते हैं। नीचे ना गिर जाए, नीचे ना गिर जाए। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ नीचे नहीं, कोई नहीं गिरा नीचे। तो ये नमक जो मिर्चें आपने अपने जायका के मुताबिक डाल लेनी है, इसका कोई मैंने नहीं बताना क्या कितनी चमचियाँ डालनी तो कितनी नहीं डालनी, ये क्योंकि एक रेसिपी वीडियो नहीं है, मैं रेसिपी चैनल नहीं है मेरा, तो ये घरेलू काम है जो कि मैं करता रहता हूँ, तो उन्हीं में से ये भी है। तो आपको दिखाने के लिए कि आज क्या बनने जा रहा है। तो बाय द वे जो मैंने कैमरा सेट किया हुआ है, मैंने अपने हेलमेट पे सेट किया हुआ है, तो हेलमेट मेरा काफ़ी काम आ रहा है इस काम के लिए। तो तकरीबन पेस्ट बन गया है, तो नींबू भी इसके अंदर ही कर लेते हैं। एक पूरा नींबू लेना है और एक आधा लेना है, 1.5 नींबू जिसे हमने जूस निकाल दिया इसका, फिर इसके एक मतलब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आप दे सकते हैं इसकी शक्ल पेस्ट की। चिली गार्लिक सॉस जो है वो हमने 2 चम्मच डालने हैं इसके, तो मैं वो डालूं। ये तो हो गया है तकरीबन मिक्स, तो पहले ये 1 चम्मच डाल देते हैं, 1 चम्मच हो गया है, 1 चम्मच और डाल देते हैं, 2 चम्मच हो गए, तो थोड़ा सा और डाल देते हैं, बस ठीक। तो अभी रह गया आयल, पहले इसे मिक्स कर लेते हैं, तो ये जितना आयल पड़ा है ये भी डालेंगे, तो ये हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा और फिर हम इस गोश्त को लगा लेंगे। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये शवारमों के लिए बना रहे हैं हम। तो आज शवारमे बनाने के लिए भाई लेके आ गया था सामान, कह रहा है शवारमे बनाने में, चलो ठीक है शवारमे बना लेते हैं, क्या बात है इसमें। तो ये भी बन गया, आयल भी इसी में मिक्स कर लेना है।
तो ये मैंने जो मिक्सचर बनाया था सारा मैंने इसमें डाल दिया और इसे मिक्स कर लेते हैं अभी। गोश्त को मसाला लगा के रखा था तो उसे पका लिया है, उसे बारबेक्यू करके तो पीसेस में छोटे छोटे में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हम बनाने लगे हैं शवारमा। तो अभी जी ब्रेड को गर्म किया जा रहा है, तो ब्रेड गरम करके तो फिर हम शवारमा तैयार करेंगे, तो अपना मुकम्मल शवारमा तैयार करेंगे। यहाँ पे सैलड वगैरह वो भी हमने रेडी करके रख लिया है, और ये मायोनीज जैसी टाइप कुछ चीज़ बनाने की कोशिश की है, मुझे नहीं पता क्या है ये। और ये सॉस है, तो ये है जी एलुमिनियम फॉयल। शवारमा बन गया, मैं खाने लगा और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। वैसे ये न्यू रेसिपी बनाई है उस्मान भाई ने, और ये रेसिपी देखने में तो बड़ी प्यारी लग रही है, तो खा के देखते हैं कैसी लगती है। बड़ा मजा बना, ये बारबेक्यू का टेस्ट आ रहा है। रेसिपी तो आपने देख ली है, वही सारी रेसिपी है, तो बस वो मैंने दिखाया नहीं बाबी को बनता हुआ, बाकी सारी रेसिपी जो आपने देख ली वही है, वो मज़ा बन गया। तो कैसी लगी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको आज वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक और करें डिसलाइक्स, और अपना प्यार भी दिखाते रहें और नीचे करें कमेंट्स। तो आप बताएंगे आपको कौन सी वीडियो आपको देखनी है, बाइक की जो वीडियो है वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं कोशिश करूंगा लेके आऊंगा। तो आज वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसे डिसलाइक करें। ये वीडियो यहीं तक रहते हैं, तब तक लेते रहिए, अल्लाह हाफिज़।